अपना विश्वसनीय न्यूज चैनल राष्ट्रीय नवाचार। मामा जी का बात बताओ। अरे जाओ तो सही। क्या पैलेस पर पहुंचे थे? मेरे को कुछ नहीं चाहिए, रोड थोड़ा निकाल दो और बाकी घर चाहिए हमको रहने के लिए। अच्छा, सबसे नीच और उसके बाद में पट्टे और कुटी होती। कहाँ रहते हैं आप लोग? रविदास नगर में, संत रविदास नगर में रहती हूँ। तो अभी क्या रोड बन रही है वहाँ पे? वहाँ पे वो आए थे, हमने बोल दिया कि रोड थोड़ा बोलना पड़ेगा। कोई पट्टे वट्टे का भी मामला है क्या आपका? पट्टा भी चाहिए हमारा। कितने वर्षों से रह रहे हैं आप लोग? 30 साल हो गए। 30 साल हो गए। क्या नाम है आपका? राधा भाई नाम। हमारा मोहल्ला में कल 5 बजे नगर निगम की गाड़ी आई और दो ही साइड दो आदमी हो गए। कह देंगे फटाफट मकान खाली करो, यहाँ रोड बन रहा है। और हमें किसी से कोई लेन देन नहीं है, आप तो यहाँ रोड बनेगा और आपने व्यवस्था कहीं भी देखा। कहाँ रहते हैं आप लोग? हम संत रविदास नगर रहते हैं, सुगन भाई नाम मेरा। अच्छा, अभी आप यहाँ पे आए तो राजे ने आपसे बात करी थी, राजे ने क्या आश्वासन दिया आपको? उनने ये बोला आपका मकान नहीं टूटेगा, हम भारतीय जनता पार्टी किसी का नुकसान नहीं करना चाहते हैं। कितने रहवासी, कितने लोगों के मकान? करीब करीब 500-600 मकान है वहाँ पे और कम से कम 2000 वोट है वहाँ पे। अच्छा, आपने राजे को बताया कि नोटिस भी नहीं दिया और अचानक तोड़ना है? हाँ बोला ना, तो उनने कहा कि ये रोड का है तो रोड के लिए पैसे आ गए हैं तो प्रक्रिया तो चालू करना पड़ेगी। अच्छा। तो नगर निगम में बैठक हुई होगा तो वो लोग आए होंगे। अभी क्या बोला आपको राजे? हाँ ये बोला कि आपको मैं बेघर नहीं करूँगा और जो रोड की समस्या जो। हाँ संतोष। आपका नाम? मेरा नाम सुगन भाई रेखवाल। चलो हर्षद जी बताइए, अभी यहाँ पर जो है कुछ लोग आपके क्षेत्र से आए थे, क्या कुछ मामला था और क्या समस्या? संत रविदास नगर मेरे वार्ड में आता है, चूँकि ये MR रोड है और इसमें जो है 18 मीटर का MR बनना है और उस पर 10-12 वर्षों से 20 वर्षों से संत रविदास नगर बसा हुआ है। इनकी ऐसी मांग थी कि सब जितना नुकसान कम से कम हो सकता है हमें हटाया नहीं जाए वहाँ से, क्योंकि शासन से पैसा आ चुका है, राशि आ चुकी है और काम लगने की प्रक्रिया चालू होने वाली है। तो इनकी सबकी मांग थी कि हमें हटाया नहीं जाए वहाँ से और कुछ ऐसा रास्ता निकाला जाए जिससे हम भी बच जाएं और रोड भी बन जाए। तो हमारी देवास की विधायक आदरणीय राजमाता जी ने आश्वस्त किया है कि अधिकारियों के साथ बैठक करके उसमें क्या अच्छा हो सकता है और लोगों के लिए भले के लिए क्या हो सकता है। किसी को अगर बहुत अत्यंत ही आवश्यकता लगेगी तो ही किसी का नुकसान हो, वरना इसमें कुछ भी रास्ता निकाल के। अच्छा, इसमें वहाँ पर भी क्षेत्र में कितने लोग निवास रहते हैं वहाँ पर भी? वहाँ 400-500 घर का अंदाजा है ऐसा, और 1200-1300 लोग रहते हैं, निवास करते हैं। और जिन लोगों ने बस्ती बसाई थी वो लोग तो अधिकतर इसको बेच के जा चुके हैं और नए बसावट करके लोग आ गए हैं। गलतफहमी में भी आ जाते हैं लोग, और या ये कह सकते हैं कि सूचना का अभाव रहता है लोगों को और इस कारण भी आए ये समस्या।